वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। बात करेंगे ब्लड ग्रुपिंग, क्लिनिकली दो ब्लड ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और एक आरएच ब्लड ग्रुपिंग। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आरएच ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। ब्लड ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है? जो कि ब्लड ग्रुप हम लोग ए बी ए बी और ओ ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग जानते हैं या पढ़ते हैं वो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कहलाती है। और वो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की डिस्कवरी किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने, एक ऑस्ट्रेलिया के फिजिशियन थे, उन्होंने इसकी खोज की 1900 में ब्लड ग्रुपिंग के बारे में इन्होंने इसकी डिस्कवरी किया। अब हम लोग बात करेंगे कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का ग्रुप करने का, ब्लड ग्रुप को चार भाग में डिवाइड करने का आधार क्या है, बेस क्या है। तो यहाँ क्लियरली जान लीजिए कि जो ब्लड ग्रुपिंग का बेस है, चाहे वो आरएच ब्लड ग्रुपिंग का हो या फिर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का जो बेस हो, इनका जो बेस है एंटीजन है। क्या है? एंटीजन। ये एंटीजेंस हैं। एंटीजेंस ये क्या है? एंटीजेंस हैं। एंटीजेंस के बेस पे, एंटीजन के बेस पे ये डिवाइड करते हैं, ये डिसाइड करते हैं हम लोग कि ब्लड ग्रुप कितने पर। तो एंटीजन तो बहुत होते हैं, लेकिन किस एंटीजन पे? जो एंटीजन किस पे पाया जाए? आरबीसी के सरफेस पे पाया जाए, रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिकाओं का जो सरफेस है उसके ऊपर कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, वो एंटीजन का काम करते हैं। एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं केमिकल कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पांस। जो इम्यून रिस्पांस करते हैं उनको क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। तो ऐसा केमिकल जो इम्यून रिस्पांस कर सके उसे क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। इम्यून रिस्पांस क्या होता है? जो हमारे बॉडी में कोई केमिकल जाने के बाद हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनने लगे, इसको कहते हैं इम्यून रिस्पांस। तो जो केमिकल्स क्या करते हैं हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पांस के लिए रिस्पांसिबल हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। तो हमारे आरबीसी पे एंटीजन पाए जाते हैं, किसी किसी आरबीसी में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। किसी किसी आरबीसी पे क्या, कौन सा एंटीजन पाया जाता है? एंटीजन ए पाया जाता है। किसी किसी पे एंटीजन क्या पाया जाता है? बी पाया जाता है, एंटीजन बी। एंटीजन ए पाया गया यहाँ, इस पे एंटीजन ये बी है, ये आरबीसी के सरफेस पे पाया जा रहा है। तो किसी आरबीसी पे हो सकता है दोनों एंटीजन पाया जाए, किसी आरबीसी पे सिर्फ एक ही एंटीजन ए पाया जाए, किसी आरबीसी पे एंटीजन बी पाया जा सकता है, ठीक है ना। किसी आरबीसी पे ना एंटीजन पाया जा सकता है ना एंटीबॉडी पाया जा सकता है। तो ये आरबीसी पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है उसके बेस पे ब्लड ग्रुपिंग के डिसीजन किया गया, ठीक है। अब देखिए कि जैसे ब्लड, तो अब देखेंगे कि किस ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कि देखिए, अगर जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन ए पाया जाएगा, जैसा कि हमने बताया है। जो ब्लड ग्रुप बी है उसमें ब्लड एंटीजन बी पाया जाएगा। अगर ब्लड ग्रुप ए बी वाला, अगर कोई किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें ए बी एंटीजन पाया जाएगा, और किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें ओ एंटीजन आने जीरो एंटीजन, नील एंटीजन, इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। ओ मीन्स जीरो याद रख लीजिए, तो जीरो एंटीजन, नील एंटीजन। तो ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, नो एंटीजन इन ब्लड ग्रुप ओ। अब
इस ब्लड ग्रुप में एंटीजन के अलावा एंटीबॉडी भी इंक्लूड है। एंटीबॉडी का भी नाम लिया जाता है कि किस ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। एंटीजन पाया जाएगा, वेरी सिंपल, एंटीबॉडी पूछ लिया गया। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन प्रोड्यूस इन इम्यून रिस्पॉन्स। जब इम्यून रिस्पॉन्स होता है यानी एंटीजन हमारे बॉडी में अंदर आता है तो उसके अगेंस्ट प्रोटीन प्रोड्यूस होती है और उसी प्रोटीन को कहते हैं एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कहते हैं। और ये एंटीबॉडी का आकार कुछ इस तरह का होता है। तो हमारे ब्लड एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में दो तरह के एंटीबॉडी पाए जाते हैं जिसे कहते हैं एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। दो तरह के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्मॉल से भी दिखा सकते हैं एंटीबॉडी को, एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी हम लोग स्मॉल से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे डिसाइड करें कि किस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, कौन सा एंटीबॉडी पाई जाती है? तो वेरी सिंपल, बिल्कुल याद रखने लायक है कि याद रखिए, ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन पाया गया तो एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी? बी। बी एंटीजन पाया जा रहा था, एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी? कौन सा मिस है इसमें से? ए बी में से कौन सा नहीं है? ए बी में से ए नहीं है तो ये एंटीबॉडी हो गया। इसमें ए और बी दोनों हैं तो इधर ए बी तो रहना नहीं है क्योंकि ए बी इधर है, दोनों हैं तो इधर क्या लिखें? इधर नील लिख देते हैं, आने नील एंटीबॉडी किसमें पाया जाता है? ब्लड ग्रुप ए बी में नील एंटीबॉडी पाई जाती है। और अब देखिए कि यहाँ नील है न, इधर ए है न बी है, तो ए और बी कहाँ चले जाएंगे? एंटीबॉडी साइड में चले जाएंगे, तो इसमें ए और बी एंटीबॉडी दोनों पाए जाएंगे। वेरी सिंपल, हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। इधर ए है तो इधर बी, इधर बी है तो इधर ए, इधर ए बी है तो इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं है तो इधर ए बी। सिंपल, तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाए, प्लाज्मा में कहाँ से आता है एंटीबॉडी? एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है? ये WBC प्रोड्यूस करता है। कौन से WBC प्रोड्यूस करता है? लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है। तो ये जब ब्लड पढ़ाए थे तो उस समय बताया था, ये बात आपको याद रखना। अब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो कर लेंगे कि कौन सी एंटीजन कौन सी एंटीबॉडी। अब ये क्वेश्चन है कि कौन सा ब्लड किसको दिया जा सकता है? डोनर, ठीक है ना, सॉरी, कौन सा ब्लड किसको दिया जा सकता है? तो बिल्कुल याद रखिए कि अगर ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड ग्रुप ए को दिया जा सकता है या लिया जा सकता है। ब्लड ग्रुप बी वाले ब्लड ग्रुप बी को दिया या लिया जा सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप है तो ए बी से दिया और लिया जा सकता है। ओ ब्लड ग्रुप है तो ओ से दिया और लिया जा सकता है। इसमें कुछ भी नहीं समझना। समझना क्या है? समझना ये है कि ये दो बातें अगर याद हैं तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये तो याद है ही है। दूसरा क्या है? ओ सर्वदाता है, यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी यूनिवर्सल रिसीवर है, सबसे रिसीव करता है, ले सकता है और ओ सबको दे सकता है। तो कीप इन योर माइंड कि अगर ब्लड ग्रुप लेना है, ठीक है, तो ए तो ले ही सकता है, ए वाला ए का ले ही सकता है, और क्या ले सकता है? ओ को ले सकता है। बी बी का तो ले ही सकता है, ओ का भी ले सकता है, ठीक है। ये ए का ले तो ले ही सकता है, और किसका ले सकता है? ओ का ले सकता है। बी बी का ले सकता है, और किसका ले सकता है? ओ का ले सकता है। ए बी का ले सकता है, और किसका ले सकता है? ए बी यूनिवर्सल सर्वग्राही है, यूनिवर्सल रिसीवर, सबका ले सकता है। ए बी ए, ठीक ना, बी एन ओ, ओ यूनिवर्सल रिसीवर है, यूनिवर्सल डोनर है, तो ये सबको दे सकता है। अब थोड़ा कंसेप्चुअल बात हो जाए, ये बात तो एग्जाम में आएगा, आप कर लेंगे। क्यों ऐसा है? वाई ऐसा क्यों है? तो याद रखिए, जिसमें एंटीजन अब्सेंट है, जैसे ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन अब्सेंट है, ये एंटीजन हटा दिया गया, उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, ठीक है ना।
मतलब ए और बी में से कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो अगर कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा है तो ये किसी को दिया जा सकता है, क्योंकि यही एंटीजन तो जाकर इम्यून रिस्पांस करेगा। जब ये रहेगा ही नहीं तो इम्यून रिस्पांस करेगा ही नहीं, इम्यून रिस्पांस करेगा नहीं तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी पाई जाएगी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रांग ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो स्ट्रांग का मीन्स ये होगा कि रोगों से लड़ने की क्षमता किस ब्लड ग्रुप में ज़्यादा होगी, जिसमें ब्लड जहाँ क्षमता रोगों से लड़ने की देखेंगे तो एंटीबॉडी देखेंगे, तो एंटीबॉडी सबसे अधिक किस में है, तो ए बी, मतलब एंटीबॉडी ए बी है किस ब्लड ग्रुप में, ओ ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी ए बी है तो ओ ब्लड ग्रुप स्ट्रांग ब्लड ग्रुप हो जाएगा और रोगों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होगी। कहा जा रहा है कि कोरोना में उन लोगों को कम कोरोना के लक्षण दिखे या उनमें कम मतलब फाइट अच्छे से कर गए जिनमें जिनका ब्लड ग्रुप ओ था, ठीक है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों पाई जा रही थी, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी उसके ब्लड ग्रुप में। और जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जा रही है, न ए न बी, तो उनको रोगों से लड़ने मुसीबत होगी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन होगा, ठीक है। तो ये है, अब क्वेश्चन है कि सबसे अधिक ब्लड ग्रुप जो पाया जाता है इंडिया में, सबसे अधिक कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है। तो सबसे अधिक जो ब्लड ग्रुप के लोग हैं लगभग 37% वो किसके हैं, ब्लड ग्रुप ओ के हैं। इसके बाद इंडिया में ब्लड ग्रुप बी है लगभग 31% के आसपास, इसके बाद ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, ये 22 के आसपास है। और सबसे कम जो ब्लड ग्रुप है, कम मात्रा में ब्लड ग्रुप पाया जाता है, वो ब्लड ग्रुप ए बी है, रेयर ब्लड ग्रुप इंडिया में ए बी है, या वर्ल्ड में भी कह सकते हैं, तो रेयर ब्लड ग्रुप ए बी। और ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड ग्रुप लोगों में पाया जाता है वो ब्लड ग्रुप कौन सा है, वो ब्लड ग्रुप है। तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप के बारे में होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे आर एच ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। आर एच ब्लड ग्रुपिंग की जो डिस्कवरी है, खोज, कार्ल एंड स्टीनर एंड विनर दोनों लोगों ने किया था। ए बी के अलावा एक और एंटीजन पाया जाता है हमारे ब्लड आर बी सी के ऊपर, जो मैच करता है रीसस मंकी में जो एंटीजन पाया जाता है, वही एंटीजन हम लोगों के ब्लड में, उसी तरह का एंटीजन हमारे लोगों के ब्लड में पाया जाता है, जिसको कहते हैं रीसस एंटीजन या आर एच एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये वाला आर एच एंटीजन या ये आर एच फैक्टर जिसमें प्रेजेंट होता है, एंटीजन जिसमें प्रेजेंट होता है जिसके ब्लड ग्रुप में, उसको कहते हैं पॉजिटिव कहते हैं, या प्लस डिसाइड करते हैं कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप नेगेटिव। तो ब्लड ग्रुप ए सपोज कहते हैं ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, इसका मतलब होता है कि ब्लड ग्रुप तो ए है, लेकिन क्या उसमें आर एच फैक्टर है, आर एच एंटीजन है, यस आर एच एंटीजन है, ठीक है। तो और जिसमें नहीं होता है उसमें निगेटिव लगता है, यानी उसमें आर एच एंटीजन नहीं होता। तो अगर बात करें इसके बेस पे ब्लड ग्रुप आठ तरह के बन जाते हैं, आठ तरह के ब्लड ग्रुप इसके बेस पे हो जाएंगे, जैसे ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ के बारे में बताया था। अब क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ए प्लस, बी प्लस, ए बी प्लस, ओ प्लस, देन दूसरा क्या हो जाएगा, ए माइनस, बी माइनस, ए बी माइनस, ओ माइनस। तो इस तरह से एट ब्लड ग्रुप एट हो गए, ठीक है ना। जब जैसे आर एच फैक्टर आया तो ब्लड ग्रुप को एट भाग में डिवाइड कर दिया गया, लेकिन देखा यह गया कि अगर वर्ल्ड की बात करें तो 80% पॉपुलेशन में, 80% पॉपुलेशन, नियरली 80% पॉपुलेशन में ए प्लस, बी प्लस, ए बी प्लस, ओ प्लस पाया जाता है, यानी वो पॉजिटिव होते हैं। केवल 20% में ही नेगेटिव होता है, आर एच फैक्टर अब्सेंट होता है केवल 20% में। अगर इंडिया में बात करें
इंडियंस इंडियंस को अगर देखा जाए तो लगभग 94% इंडियंस, लगभग 94% इंडियंस में क्या होता है, ये आरएच फैक्टर पाया जाता है लगभग। अब क्वेश्चन ये हो गया कि अच्छा इस बेस पे बताओ कि सर्वदाता कौन हुआ, सर्वग्राही कौन हुआ। तो जिसमें मैंने पहले ही बताया कि जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा वो सर्वदाता होगा, क्योंकि वो किसी में इंड्यूस इम्यून रिस्पांस नहीं कर पाएगा। तो मैंने ओ को बताया था सर्वदाता, अगर ओ में अगर आरएच फैक्टर है तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो एंटीजन है तो भी हटा दीजिए, तो माइनस, तो ओ माइनस क्या हो गया, ओ निगेटिव क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर हो गया। और उसी तरह से ए पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसीवर हो गया। तो याद रखिएगा कि कई बार अब एग्जाम में पूछने लगा है पॉजिटिव निगेटिव देखे, तो वो निगेटिव सर्वदाता और वो पॉजिटिव सर्वग्राही। अब आरएच फैक्टर से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकम्पेटेबिलिटी है, मिसमैचिंग है ब्लड की, जो आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है पढ़ना है आपको, जिसको कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस इसका मतलब क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का मतलब क्या होता, जिसमें आरएच फैक्टर नहीं है, ये मदर और ये आरएच प्लस फादर है, इनका जो पहला बच्चा होगा, इनका जो पहला बच्चा होगा वो तो क्या होगा, आरएच फैक्टर पॉजिटिव होगा, और आरएच फैक्टर पॉजिटिव होगा लेकिन मदर नेगेटिव है, आरएच फैक्टर पॉजिटिव है, तो जब तक इसमें ब्लड बनता 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 है, कंप्लीट होता है, मैच्योर होता है, तब तक डिलीवरी हो जाती है। तो ये इसका एंटीजन, ये इसका ब्लड, फीटस का ब्लड मदर में जब तक जाता है तब तक ये डिलीवर हो चुका होता है, बच्चा बाहर निकल चुका होता है। तो पहले बच्चे के कंडीशन में इसमें इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनती है, यानी आरएच एंटीजन के अगेंस्ट इसमें आरएच एंटीजन पाया जाएगा बच्चे में, क्योंकि पिता में है, तो बच्चे में भी आरएच एंटीजन पाया जाता है, और आरएच एंटीजन बच्चे में भी रहता है, तो क्योंकि प्लेसेंटा और माँ का शरीर और बच्चे का शरीर प्लेसेंटा होता है, जो जहाँ कनेक्शन होता है उसको कहते हैं प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा में बिल्कुल अलग अलग होते हैं, इसलिए इसका एंटीजन ब्लड का बच्चे का एंटीजन मदर में नहीं जाता उस समय, तो एंटीबॉडी नहीं बनती। लेकिन जब डिलीवरी होती है उस कंडीशन में चांसेस होते हैं कि फीटस का ब्लड थोड़ा मदर के ब्लड से मिक्स हो जाता है, होने की संभावना होती है। उस केस में जैसे ही एंटीजन जाता है, जैसे ही ब्लड बच्चे का मदर के में जाता है, वैसे ही एंटीबॉडी बनने लगती है आरएच एंटीजन के अगेंस्ट। लेकिन डिलीवरी हो चुकी होती है तो पहला बच्चा तो सेफ होता है, लेकिन जब सेकेंड चाइल्ड आता है तो वो जैसे ही सेकेंड चाइल्ड आता है वैसे तब तक मदर में एंटीबॉडी बन चुकी होती है, और ब्लड क्लाट कर जाता है, बच्चे के ब्लड से मदर का ब्लड क्या हो जाता है, क्लाट कर जाता है, और इसी को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो जो सबसिक्वेंट बेबी हैं, जो दूसरा तीसरा चौथा, वो या तो निमोनिया उनको हो जाता है, या तो डेथ हो जाती है, या तो उनको जॉइंडिस हो जाती है इस इनकम्पेटेबिलिटी के कारण ऐसा हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।